तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ऊपर एक शॉप है फेदर एंड फिंस करके, आप देख सकते हैं। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा शॉप ओनर का। और यहाँ पे चांदोले तालाब है सामने ही, देख सकते हैं। ये चांदोले तालाब के ऊपर ही है एग्जैक्ट। और ये सामने भी देख सकते हैं, ये मंदिर है, मंदिर के पीछे ही है, ऊपर ही यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा फेदर एंड फिंस शॉप का नाम। तो गाइस चले चलते अपन शॉप के अंदर, विजिट करते हैं और सब चीज़ों का प्राइस जानते हैं। और अपने हारमिश भाई ये बैठे, हारमिश भाई चलो ऊपर आ जाओ। तो गाइस देख सकते हैं एंटर होते ही यहाँ पे एक बड़ा सा पिंजरा है, आपको अवेलेबल हो जाएगा आपको चाहिए तो। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे फिश भी है सारी। तो सर ये कौन से एरिया में ये दुकान आपकी? सर ये अपने चांदलोड़िया एरिया में, चांदलोड़िया तालाब के नियर में, गायत्री नगर सोसाइटी का ऊपर। गायत्री नगर सोसाइटी के ऊपर है इनकी शॉप। मैंने आपको दिखा दूंगा बाहर से भी, गूगल में अपनी गूगल पे भी शॉप दिख जाएगी। फिदर एंड फिंस से शॉप का नाम। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पहली फिश दिखाओ, कौन सी फिश है ये? ये चिकलेट है, चिकलेट फिश है गाइस, देख सकते हैं। गाइस छुप रही चिकलेट फिश है सारी। और ये कौन से पानी में रहती है? सर ये नॉर्मली पानी में रह जाती है, हार्ड फिश है, 200 की पैर है ये, 200 की पैर है। ये नॉर्मल पानी में भी रह जाती है, देख सकते हैं गाइस। और ये कौन सी फिश है? ये ना टिंकल बाम करके आती है, वो फिश है। टिंकल बाम करके जो फिश आती है वो है ये फिश, देख सकते हैं। इसका प्राइस क्या है? 70 रुपये की पैर है ये गाइस, 70 रुपीज़ की पैर मिल जाती है आपको, देख सकते हैं टिंकल बाम। और यहाँ पे ये कुछ खाली से ना है अंदर गाइस, ओहो इम्पोर्टेड फिश है गाइस, ये देख सकते हैं। ये पैरट फिश है, पर उसमें पैरट जेबरा पैरट है और एल्बिनो पैरट लग रहा है। हाँ। देख सकते हैं गाइस जेबरा पैरट और एल्बिनो पैरट, ब्रीडिंग पैर है ये अपने, ये ब्रीडिंग पैर है गाइस। और उसके बच्चे भी आपको दिखा देता हूँ, इसके बच्चे भी है गाइस। और ये इसके बच्चे कौन से? ये है ये बच्चे हैं इनके, ओहो इतने छोटे बच्चे है गाइस, देख सकते हैं ये पैरट फिश के। कम से कम कितने बच्चे होंगे इसके अंदर? इसके अंदर होंगे 40-50 अप होंगे, 40-50 अप बच्चे होंगे गाइस इसके अंदर। और ये कौन सी फिश है? इसमें रोजी है, रोजी वीडो है, और टाइगर नहीं, टाइगर नहीं है, रोजी है, वीडो है और मौली है। और ये कौन से? इनको भी ऐसे पानी में चलेगा? हाँ ये फिश कोई भी लो आप, 50 की पैर होगी ये, 50 की पैर। और इनको ये सारे पानी वो नॉर्मल पानी के ही, ये नॉर्मल पानी के। और गाइस फ्लावर ऑन देख सकते हैं गाइस आप, सबसे अच्छी फ्लावर ऑन बेस्ट क्वालिटी लग रही है मेरे को, दोनों फीमेल है फ्लावर ऑन की, दोनों फीमेल फ्लावर ऑन देख सकते हैं गाइस। ये खिलती है कैसे? हाँ खिलती है, लेकिन अभी क्या है कि वो दो दिन से ठंडा पानी हो गया ना, उसकी वजह से थोड़ी लूज हो गई है, लूज हो गई गाइस थोड़ी। पर फ्लावर ऑन की क्वालिटी एकदम बेस्ट है। और इसका प्राइस क्या होगा फ्लावर ऑन का? फ्लावर नहीं है, सेल करने के लिए नहीं है ये, सेल करने के लिए नहीं है गाइस, ये बुक हो चुकी है। पर ऐसे इसका प्राइस क्या होता है फ्लावर ऑन का? उससे उसका होता है 3000 के आसपास होता है, ये 3000 के आसपास होता है गाइस। आपको यही क्वालिटी में मिल जाएगी, आप इनसे मंगा सकते हैं, ये तो बुक हो चुकी है, ऑर्डर पे मंगा सकते हैं। और ये बुक हो चुकी है अभी। और ये कौन सी फिश है? पैरट फिश सर, इसमें है टिंकल बाम बड़ी फिश है, जो ऊपर दिखाई आपको ये टिंकल बाम है, टिंकल बाम बड़ी फिश है ये, पैरट की ये नॉर्मल पैरट है, मतलब नॉर्मल पैरट है। टिंकल बाम का क्या प्राइस है? टिंकल बाम का वो 150 रुपये की पैर है, बड़ी वाली टिंकल बाम 150 रुपये की पैर। और वो ये जो ऑरेंज कलर की पैर है पैरट की है, हाँ वो आपको पड़ेगी 600 रुपये की पैर, 600 रुपये की पैर मिल जाएगी गाइस आपको पैरट। ये अल्बिनो शार्क है, ये जो ये अल्बिनो टाइगर शार्क है गाइस, इसका प्राइस क्या है? इसका मतलब बड़े का रहेगा 200 रुपये की पैर। और छोटी किसी को चाहिए हो तो? छोटी आ जाती है 100 रुपये के आजू बाजू। फिर यहाँ पे अपने मस्त कलेक्शन है सेनेगल का, ओहो गाइस देख सकते हैं सेनेगल है ये जो स्नैक जैसी दिख रही है वो सेनेगल है, ये स्नैक जैसी की, ओ देख सकते हैं गाइस कांटे वाली है, ओ ऊपर आ रही सारी मछली, ओ गाइस ये पंप हिला इसीलिए ऐसा हुआ चलेगा। और वो कौन सी फिश है? कौन सी? ये सुभंकिन और कुई है, सुभंकिन और कोई, इसको भी नॉर्मल पानी चलेगा। हाँ ये 70 रुपये की पैर है, ये 70 रुपये की पैर है, यानी कोई भी फिशेस के साथ इसको रख सकते हैं क्या? उसमें कई मतलब ये कोई भी में तो नहीं रहती ऐसा है, ऐसा है। और गाइस आपको ये इम्पोर्टेंट टैंक भी मिल जाएंगे देख सकते हैं। ये टैंक का क्या प्राइस है? टैंक का
और वो 10 पीस आएगी, स्टोन्स आएंगे, फिर उसका ऑक्सीजन पंप आएगा और ये स्टोन वन सब कुछ आ जाएगा। ओके, ऑल एसेसरीज मिल जाएगी और ये बेल्ट भी मिल जाएंगे आपको लॉक्स के, यहाँ पे देख सकते हैं ये चेस्ट बेल्ट है और ये यहाँ पे बड़े डॉग्स है आपके पास सेन बर्नार्ड पिटबुल तो उसके लिए चलेगा, देख सकते हैं। और ये बेल्ट का क्या प्राइस होगा सर? बेल्ट के सबके अलग अलग है, जैसे ये पप्पी का बेल्ट है ये आपको 200 रुपये में पड़ेगा, ये पप्पी का बेल्ट है छोटा पप्पी आपके पास तो ये 200 रुपये में पड़ जाएगा, और ये वाला 300 का, ये 300 का पड़ जाएगा गाइस आपको ये, और ये 500 का मिल जाएगा आपको पूरा गाइस बेल्ट। और ये कौन सा है ये? ओके यार, ये ओनली वो है, ये अपने लेस है, लेस मिलेगी खाली इसकी, कॉलर भी मिल जाएंगे अलग से आपको गाइस इधर। और इसका प्राइस क्या होगा लेस का? ये 200 रुपये वाली है, ये 200 रुपये की लेस है गाइस देख सकते हैं। फिर ये सेंड है, सेंड है ये मछलियों का क्या? ये वाइट कलर की सेंड से देख सकते हैं गाइस फिश टैंक के अंदर डालने के लिए। और इसका क्या प्राइस होगा? ये किलो के 40 रुपये किलो मिल जाएगा गाइस देख सकते हैं। और ये बाउल के अंदर कौन सी, ये क्या है? ये बीटा फाइटर फिश, बीटा फिश, इसको बीटा फिश नाम से बीटा है लेकिन फाइटर के नाम से जानते हैं सब लोग। ओह देख सकते हैं बॉटल में गाइस बीटा फिश, इसका प्राइस क्या होगा? ये 100 रुपये का, 100 रुपये का मिल जाएगा गाइस आपको ये, अच्छा है। और बाउल खाली है क्या सारे? हाँ वो सारी बाउल खाली है, देख सकते हैं बाउल सोल्ड आउट है। और उसका टॉयस है ये अंदर रखने के लिए क्रिएटिव, ये टैंक के अंदर रखने के लिए आपको अच्छा रहेगा गाइस। और यहाँ पे नीचे भी एक टैंक है, हाँ वो ये कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा वही रेट में वो जो ऊपर वाला बोला ना, थोड़ा सेट 2500 का पड़ेगा गाइस आपको, वो 2400 का था ये 2500 का मिल जाएगा, वो देख लो पूरा सेटअप ऊपर है। और ये देख सकते हैं गाइस ऊपर भी पूरा सेटअप है, ये कितने का होगा? वो आपको 1600 में पड़ेगा, ये 1600 में पूरा टैंक मिल जाएगा आपको। ये टॉर्टोइस के भी कुछ लग रहा है, टॉर्टोइस के खाना है, टॉर्टोइस का खाना भी मिल जाएगा और ये डॉग्स के स्प्रे भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, और पंप भी मिल जाएंगे आपको गाइस यहाँ पे देख सकते हैं। और डॉग्स मिल जाएंगे क्या इधर? डॉग्स आ जाते हैं लेकिन अभी क्या है कि सोल्ड आउट हो चुके हैं, सारे डॉग्स सोल्ड आउट हो चुके हैं गाइस। और आप ऑर्डर पे मंगाना चाहते हो तो डॉग्स भी मंगा देंगे सर, और डॉग्स मिल जाएंगे ऑल ऑल ओवर गुजरात मिल जाएगी आपको डिलीवर खाली। और आपको जो डॉग्स भी मंगाने हो तो सर से मंगा सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेड जो अपने आते हैं बर्ड्स लाइक मकाऊ ग्रेस वो सब भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे आपको टेम हैंड टेम मिल जाएंगे गाइस, हैंड टेम चाहिए वाइल्ड चाहिए कोई भी मतलब कोई भी मिल जाएगा, ओनली लीगली पेट्स मिलेंगे। ओके